आज के पूरे दिन में बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को। अब आपको क्या करना है? फोन करना है। कॉल करनी है आपको? कहाँ पे करनी है? मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त का। तो कॉल क्या क्या हो गया आपको? मेरे दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो आप इतने परेशान क्यों हो? तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। यहाँ क्या कर, आपको फोन किस लिए चाहिए? फोन करना ना, वो मेरे दोस्त का ना एक्सीडेंट हो गया। किसके एक्सीडेंट हो गया? दोस्त का। हाँ तो अगर एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल लेके जाओ ना भैया उनको। एक्चुअली मेरे फ्रेंड से बात हुई थी ना, वो नहीं था लास्ट टाइम, तो इसी लोकेशन पे मैंने। अच्छा, कौन सा आपका फ्रेंड? हाँ, मेरा फ्रेंड। तो आप कहाँ हैं? ढूंढो उनको। मेरा फोन क्या, आपको फोन चाहिए उनको फोन करने के लिए? तो वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था पहले। आप दोस्त से मिलने आ गए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। किसी को नहीं जानता ना, इसलिए दोस्त की हेल्प लेने के लिए आया था। तो वो क्या हेल्प करा उन्होंने? किसको फोन बताओ, मुझे नंबर बताओ, मैं टाइप करूँ, मैं कर देती हूँ कॉल। भाई कहाँ है, अभी तक आया नहीं, अभी इतना टाइम लगेगा यार। भैया हॉस्पिटल लेके जाओ उनको, बात बात दो चार लोगों से बाद में बात करना। हॉस्पिटल लेके जाओ, ये लोग क्या करेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहे हो आप? क्या बोला उन्होंने? हम उसको टाइम लगेगा, वो कहीं चला गया ना। चला गया, आपने बताया नहीं कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो आए जल्दी ताकि उसको हॉस्पिटल में उसको काम आ गया। अच्छा, काम आ गया उसको, तो आप जा रहे हो फिर? आप तो उसको तो एडमिट करवाने की जरूरत है ना, तो एडमिट करवाओ आप। यहाँ क्या कर, कैसे एडमिट कराना है? कोई रिलेटिव रिलेटिव को फोन करके देखो जो आसपास नियर बाई में है, एटलीस्ट वो तो जाके एडमिट तो करवाएंगे एटलीस्ट। मैम बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे स्टूडेंट है ना, तो हमें कुछ तो स्टूडेंट हो तो कुछ भी करके उसको करवाओगे, एडमिट करवाओगे, जिसकी हालत इतनी खराब है एडमिट करवाने की जरूरत है, और तुम बोल रहे हो कि कोई हेल्प की जरूरत है? कहाँ, मैं मतलब बाहर ही बैठा है। आप कैसे बाहर छोड़ के आ गए हो उनको यार, इतनी दूर? किसी को रखा हुआ ना साथ में देखने के लिए। अच्छा, कोई है वहाँ साथ में? किसी और ने बोला नहीं कि एम्बुलेंस को फोन करो या फिर एडमिट करवाओ उसको? क्या हुआ है उनको, कितनी लगी है? बहुत लगी है, ज्यादा लगी है। मेरे पैर में मोचा, पैर वर्ड तो ठीक है, हाथ पैर तो ठीक है। अच्छा, ब्लड की जरूरत है उनको एडमिट करने की? क्या बोलूँ, अच्छा मैं देख सकती हूँ कहाँ पे ना, दिखाओ यार कहाँ पे है। देखो भैया, मेरे को लग रहा है कि आप सच में परेशान हो, आप ले जा रहे हो दिखाने, लेकिन मैं किसी अर्जेंट काम से आई थी यहाँ पे, मुझे भी घर जल्दी जाना है। तो एक काम करो, आप ना उनको एडमिट करवाओ कहीं भी ले जा करके। पैसे आप, मैं कैसे आपको इंजेक्शन कर नहीं पाऊँगी, तो मैं लेके आती हूँ, ठीक है? आप यहीं वेट करो, मैं लेके आती हूँ। हेलो भैया, कितने में हो जाएगा वैसे आपका? 50,000। कितना बोल रहे हैं? 50,000। आप तो, मैं आप उनको एडमिट करवाओ, मैं पहले तो एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ ताकि वो हॉस्पिटल तो पहुँचे पहले। कहाँ, गेट नंबर 2 पे है? हेलो, हाँ जी, एम्बुलेंस सर्विस चाहिए थी जी। एक पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ है जी। ये साकेत डीएलएफ का जो गेट नंबर 2 है ना, आप वहीं पे आ जाओ, ठीक है? 5 मिनट बहुत है, ठीक है? ठीक है जी, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगा वहीं पे, गेट नंबर 2 पे। आप वहीं पे रुक जाना, क्योंकि मैं तो चल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ। और आप एक काम करो, ये कुछ पैक करो और अरेंज करवाओ, ठीक है? इतना आप एडमिट तो करवाओ उनको जल्दी जा करके, और लेट नहीं हो रही होती तो मैं भी चलती साथ में, बट आप जाके एडमिट करवाओ, ठीक है? ठीक है, अरे कॉन्टैक्ट नंबर आप जाओ, आप पहले उनको जल्दी जल्दी ज़रूरत है उनको लेके जाओ, ठीक है? ठीक है, जाओ आप। गाइज, आपने देखा कि अभी, सॉरी गाइज, कि अभी आपने देखा कि एक लड़का आ गया था, उसे हेल्प की ज़रूरत थी बहुत, और मुझे बहुत ही उसे देख के बहुत ही ऐसा लगा, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई ताकि देख पाएँ वो रियल था या नहीं था। वो तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी रियलिटी थी, बट मेरा नियत साफ था उसको हेल्प करने के लिए, कि मैंने उसका हेल्प कर दिया। अब ओरिजिनल तो वही जाने, मेरे को लग रहा था कि मे बी वो फेक ना हो और ये ना हो, इसलिए मैंने बोला भी कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं देख के आती हूँ कि कहाँ पे है वो।
वो सच में जा रहा था, तो मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ वो रियल है। अब जो भी होगा वो भगवान ही जानते हैं, और मेरा तो मेरे नियत थी हेल्प करने की, मैंने हेल्प किया। मन बड़ा अजीब सा हो गया कि कैसे ना ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं लाइफ में जब किसी को किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स गो गाइज, अगर आपको, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो डालूँ, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं गाइज, और आसपास ऐसे लोगों के ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू गाइज, बाय।